हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नक्ष और आप देख रहे हैं ड्रग इन्फो इंडिया। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक क्रीम। इसका नाम है अल्ट्रा ब्राइट क्रीम और ये पिंपल्स के लिए और रंग साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको इस क्रीम की पूरी कैसे काम करती है, क्या इसकी सच्चाई है, इसके बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 10 दिन में गोरा कर देती है, वो सब मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका प्राइस, इसका पैक और ये क्रीम आपको दिखाता हूँ। ये क्रीम है 25 ग्राम का क्रीम है। ये इस क्रीम का ट्यूब निकलता है, सेम वैसा ही पैकिंग जैसा बाहर से है। और ये इसका MRP है 135 रुपीज़। मुझे ये क्रीम 110 रुपीज़ में मिला, मैंने नियरेस्ट केमिस्ट से लिया, 110 रुपये में उसने मुझे दिया है। हो सकता है जहाँ आप रहते हो वहाँ पर ये इससे भी कम का मिल जाए या इससे ज़्यादा का मिल जाए, वो सब अलग अलग स्टेट में प्राइस अलग अलग होता रहता है। लीफोर्ड कंपनी का एक क्रीम है, मोस्टली केमिस्ट पे मिल जाता है, इजीली आपको ये कहीं भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस क्रीम में क्या है। तो इस क्रीम में ये 3 दवाई का कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन और मोमेटासोन। जो इसमें हाइड्रोक्विनोन जो ये सबसे पहली दवाई है, इसका काम होता है स्किन से मेलानिन के लेवल को कम करना, जिससे जब स्किन में मेलानिन का लेवल कम होता है तो उससे हमारी स्किन फेयर होती चली जाती है। इसमें जो दूसरा है वो है ट्रेटिनोइन। ये एक विटामिन ई की फॉर्म है। इसका काम है स्किन से पिंपल्स को कम करना और स्किन सेल्स को रिपेयर करना, ये इसका काम होता है। और इसमें जो तीसरी दवाई है वो है मोमेटासोन। ये एक स्टेरॉयड है, यानी ये एक स्टेरॉयड बेस क्रीम है। मोमेटासोन का काम है जब हम हाइड्रोक्विनोन यूज़ करते हैं स्किन पर, तो हाइड्रोक्विनोन से स्किन रेड हो जाती है, तो मोमेटासोन उसको रोकता है, यानी मोमेटासोन आपकी स्किन को रेड होने से रोकने के लिए यूज़ किया जाता है इस क्रीम में। स्किन पर स्वेलिंग ना आए और स्किन सेल्स डैमेज ना हो, इसलिए भी मोमेटासोन यूज़ किया जाता है। तो ये थी इस क्रीम में 3 मेडिसिन जो इस तरह काम करती हैं और उनके क्या क्या काम है वो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं ये क्रीम किस लिए यूज़ किया जाता है। तो इस क्रीम के काम है, सबसे पहले मेलाज्मा में यूज़ किया जाता है, यानी कि रंग साफ करने के लिए, मेलानिन के लेवल को स्किन से कम करने के लिए उसके लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा काम है इसका स्किन से स्कार्स को कम करना, यानी इस क्रीम को लोग स्किन पर जो स्कार्स होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको लगाने से स्किन पर जो स्कार्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। इस क्रीम का तीसरा काम है ब्लेमिश, यानी झाइयाँ। इस क्रीम को लगाने से झाइयाँ कम हो जाती हैं और स्किन पर ग्लो आता है। ये क्रीम डार्क सर्कल्स में भी काफ़ी यूज़ की जाती है, आंखों के नीचे जो काले घेरे होते हैं उसको, उस पर इस क्रीम को लगाने से वो काले घेरे कम हो जाते हैं। और इस क्रीम का यूज़ होता है मार्क्स को मिटाने में, यानी पिंपल्स के मार्क्स हों या आपको कहीं जल गया है, कट गया है, उसके निशान आपकी स्किन पर आ गए हैं, तो आप अगर इस क्रीम को लगाएंगे तो वो निशान हल्के होते चले जाते हैं। अब बात करते हैं इस क्रीम को कैसे लगाना है। तो इस क्रीम को लगाने का तरीका ये है कि आप रात को अपना फेस वॉश करें और फिर इस क्रीम को लगाएं और जेंटली मसाज करें। जब तक आपकी स्किन इस क्रीम को अब्जॉर्ब ना कर ले तब तक आप हल्के हाथ से अपनी स्किन पर मसाज करते रहें, ये इसका लगाने का तरीका होता है। इसको लगाने के कुछ प्रिकॉशन भी हैं, यानी आपको सावधानियाँ बरतनी हैं। जब आप इस क्रीम को लगा रहे हो तो आप एक तो आप धूप में जाने से बचें, और अगर आपको धूप में जाना ही होता है तो आप सनस्क्रीन का ज़रूर यूज़ करें, या फिर अपनी स्किन को या फेस को आप अपने किसी कपड़े से ढक कर जाएं। एक सावधानी ये बरतनी है कि आप इसको कभी भी अपनी कटी हुई स्किन पर ना लगाएं, यानी आपको कहीं से ब्लेड लगा हुआ है या आपकी स्किन कटी हुई है या स्किन उतरी हुई है तो उस पर इसको ना लगाएं। उस पर लगाने से आपकी स्किन में इरीटेशन होगी, तो आपको कटी हुई स्किन पर ये क्रीम नहीं लगानी है। अब बात करते हैं ये कितने दिन में अपना रिजल्ट दिखाना शुरू करता है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरी इस टाइप की क्रीम्स पर कि सर ये कितने दिन में अपना रिजल्ट दिखाएगा, कितने दिन में गोरा कर देगा। तो ये क्रीम अपना रिजल्ट जो है 2 हफ्ते में दिखाना शुरू करता है और 2 से 3 महीने के अंदर ये अपना फुल रिजल्ट दे देता है, यानी आपको जितना गोरा करना होगा ये आपको 3 महीने के अंदर उतना कर देगा। तो ये तो थे इस क्रीम के फायदे। अब स्टेरॉयड क्रीम है, जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं कुछ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि एक तो इससे स्किन आपकी रेड हो जाती है जब आप इसको लगाते हैं, अगर आपको आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा ली तो बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है। दूसरा, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं, मान लिया आपने 2 साल यूज़ की या 3 साल यूज़ की,
तो आपकी स्किन इसकी एडिक्टेड हो जाएगी। फिर आप इसको जब छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी स्किन में पिंपल्स या आपको इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी। इस क्रीम का एक रेयर साइड इफेक्ट ये भी है, ये साइड इफेक्ट बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन मैंने अपने व्यूवर्स ने मुझे बताया है मेरे ने कि किसी किसी को इस स्किन पर रुआ आ जाता है, यानी बाल आ जाते हैं बहुत पतले पतले, तो ये भी इस क्रीम का एक साइड इफेक्ट है। एक बात और क्लियर कर देता हूँ, कुछ लोग पूछते हैं कि सर इसको लगाने से फिर हमेशा के लिए गोरे हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्रीम एक स्टेरॉयड क्रीम है, जब तक आप इसको लगाएंगे आपकी स्किन फेयर बनी रहेगी, तब इसको आप जब छोड़ देंगे तो उसके 3 से 4 महीने के बाद जब आपकी स्किन का मेलानिन का लेवल पहले जैसा हो जाएगा, जो नेचुरल लेवल था, तो आपकी स्किन पहले जैसी लगने लगेगी। तो ये अल्ट्रा ब्राइट क्रीम या कोई भी स्टेरॉयड बेस्ड क्रीम या कोई भी क्रीम आपको हमेशा के लिए गोरा नहीं बनाता है। क्रीम्स का जब तक इफेक्ट रहता है तब तक ही आप गोरे दिखते हैं, उसके बाद आपकी स्किन जो है वो नेचुरल कलर में आनी ही होती है। तो ये थी अल्ट्रा ब्राइट क्रीम की पूरी जानकारी। अगर इसके बारे में मुझसे कुछ भी रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। वैसे मैंने इसकी मोटी मोटी जानकारी सारी आपको दे दी है, क्या इसका काम है, क्या साइड इफेक्ट है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप इसको यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपके काम का है मेरा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ड्रग इन्फो इंडिया। मैं ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।